ये जो हमारा बुनियादी सवाल है, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो अपने हाथ में भाजपा का झंडा उठाए हैं, दोस्त तुम नेताजी के पीछे खड़ा होकर के वंदे मातरम करोगे, नेताजी संसद पहुंच जाएंगे, अपने बेटा को फिर सांसद बनाएंगे, तुम रोड पे खड़ा होकर के वंदे मातरम ही करते रह जाओगे। क्या सरकार दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है। क्या सरकार दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है। कहना पड़ेगा कि ये भारत है और ये भारत गांधी की धरती है, ये भारत अंबेडकर की धरती है, ये भारत भगत सिंह की धरती है, ये भारत अशफाकुल्ला खान की धरती है, ये भारत फातिमा शेख की धरती है, ये भारत मौलाना अबुल कलाम आजाद की धरती है, ये भारत चंद्रशेखर आजाद की धरती है। और वो जो भारत है, उस भारत को हम झुकने नहीं देंगे, उस भारत को हम मिटने नहीं देंगे। कोई भी काला कानून आप लेकर के आ जाइए, आपको आज संसद में मेजोरिटी है, आप कोई भी कानून पास कर दीजिए, हम सड़कों पे अपना बहुमत साबित करेंगे। कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ये देश का मुद्दा है। शिक्षा कैसे बेहतर हो, ये देश का मुद्दा है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार के लोगों को अपने परिवार को पालने के लिए अपना घर बार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है। और जब वो वहाँ काम करते हैं तो हमारे साथ क्या बर्ताव होता है? बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया है। उनका खेत हम काटते हैं, उनके लिए ठेला रिक्शा हम चलाते हैं, उनका घर हम बनाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन दो शब्द सम्मान के हमको नहीं मिलता है, वो बिहारी शब्द को गाली बोलते हैं। इसीलिए ये जो हमारा बुनियादी सवाल है, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो अपने हाथ में भाजपा का झंडा उठाए हैं, दोस्त तुम नेताजी के पीछे खड़ा होकर के वंदे मातरम करोगे, नेताजी संसद पहुंच जाएंगे, अपने बेटा को फिर सांसद बनाएंगे, तुम रोड पे खड़ा होकर के वंदे मातरम ही करते रह जाओगे। वंदे मातरम करने का मतलब, वंदे मातरम करने का मतलब अपने देश से प्यार करना होता है, अपनी मिट्टी से प्यार करना होता है, किसी पार्टी या नेता का चापलूसी करना नहीं होता। इस बात को, इस बात को याद रखना कि अगर अपने देश अपनी मिट्टी से प्यार करते हो तो तुमको चिंता होनी चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है। तुमको चिंता होनी चाहिए कि हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई का स्तर नीचे क्यों गिर रहा है। तुमको चिंता होनी चाहिए जो अन्नदाता हैं वो आज फांसी लगाने को क्यों विवश हैं। तुमको चिंता होनी चाहिए कि एसएससी का प्रश्न पत्र क्यों लीक कर दिया गया है। तुमको चिंता होनी चाहिए कि सिपाही भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है, दरोगा भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है। देश से प्यार करने का मतलब देश के लोगों से प्यार करना होता है, यह बात अपने दिमाग में डाल लो। और अगर कोई हाथ में बंदूक लेकर अपने ही देश के लोगों के ऊपर गोली चलाता है तो वो कुछ भी होगा लेकिन देशभक्त नहीं हो सकता, ये बात। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई इसलिए है कि एक तरफ आपको अपने हाथ में तिरंगा थामकर संविधान की प्रस्तावना को अपने सीने से लगाकर नफरत को हराना है, और दूसरी तरफ जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान की लड़ाई है, उस आत्मसम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? इससे बोलिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? सरकार को हमको बताना पड़ेगा, सरकार को हमको कहना पड़ेगा, और साहस से खड़ा होकर के सीना तान करके सरकार के आंख में आंख डाल करके बताना पड़ेगा कि यह सरकार दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है। और आज फिर से अंग्रेजों की नीति पे चलने वाली एक सरकार दिल्ली में बैठी है, तो हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि यह सरकार अगर तुम जनरल डायर बनने के लिए तैयार हो तो हम भगत सिंह की तरफ फांसी पर चलने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखना कि अगर तुमने अपने वादे से जिस तरीके से इस देश को गुमराह किया है, तुम गुमराह करोगे तो हम घर घर जा करके, मोहल्ले मोहल्ले जा करके, पूरा देश घूम करके अपनी देश की जनता को बताएंगे कि यह देशवासियों, ये जो लुटेरी सरकार है इसको हमको हराना है और संविधान को जिताना है, संविधान को बचाना है। बोलिए, बचाना है कि नहीं बचाना है? बोलिए, आप किसको मानते हैं, गांधी को कि गोडसे को? अगर गांधी को मानते हैं और आपके हाथ में तिरंगा है तो अपने दिमाग में आप डाल लीजिए
कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश में हिंदू मुसलमान करके इस देश की जनता को गुमराह करके दंगे फैला करके हमारे ऊपर राज किया था, उसी तरीके से अंग्रेजों के ये चमचे देश में हिंदू मुसलमान करके दंगे फैला करके हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं, तो हम इनको बता देंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लड़ाई हम नहीं होने देंगे। ये संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि असली खेल कहाँ पे चल रहा है, असल खेल हो कहाँ पे रहा है। असल खेल हो रहा है कि दिन रात टीवी में हिंदू मुसलमान चल रहा है। दिन रात टीवी में हिंदू मुसलमान क्यों चल रहा है? दिन रात टीवी में हिंदू मुसलमान इसलिए चल रहा है कि जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो ये लाजिम है कि टीवी पे चले हिंदू और मुसलमान। इसलिए कि आप अपने हाथ में रॉड ले लें, आप अपने हाथ में बंदूक ले लें, एक दूसरे ऊपर गोलियां चलाते रहें, और ये अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दे, ये अपने बेटा को मंत्री बना दे, ये अपने बेटा को विधायक बना दे, ये अपने बेटा को नेता बना दे, और आपको ये दंगाई बनाना चाहते हैं। तो मैं खास करके इस देश के जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, मेरा नाम कन्हैया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दोस्त एक बार सोच करके देखो, दिल दे दिए हो तो दिल का कोई हिसाब नहीं होता है। कहते हैं ना, दिल आया गधी पे तो परी का क्या करेंगे। तुम दिल दे दिए हो उस पे हम सवाल नहीं करना चाहते हैं। होता है ना कि जब नौजवान को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए, किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हो जाए, तो माँ बाप जब उसको समझाते हैं कि बेटा प्यार वार अपनी जगह पे है, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी ना तो प्यार जो है वो खिड़की से कूद करके बाहर चला जाएगा। क्या बात, कई बार हमको समझ में नहीं आती है क्योंकि हम दिमाग नहीं लगाते हैं, दिल लगा बैठे हैं। तो जो लोग दिल लगा बैठे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि दोस्त दिल भी अगर धड़कता रहे, इसके लिए पेट में अनाज का होना बहुत जरूरी है, और पेट में जो अनाज पहुंचाने वाले किसान हैं उनकी हालत के बारे में तुम जान लो। अगर तुम देश बचाना चाहते हो तो तुमको किसानों के बारे में सोचना चाहिए, अगर तुम देश से प्यार करते हो तो तुमको मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए, अगर तुम देश से प्यार करते हो तो तुमको अपने देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज से भी प्यार करना चाहिए। क्या स्थिति की गई है, इस देश में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। सरकारी आंकड़ा कहता है, हम अखबार नहीं निकालते हैं, हमारे घर में अखबार नहीं छपता है, अखबार में निकला है कि पिछले 5 साल में 3,16,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।